इस फिगर को मैं कैसे देख रहा हूं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम इस चीज को किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो डेटा हमारे पास आया है, ये भी रॉ डेटा है। इस पर कोई हतमी राय देना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो अवेयरनेस जो आई है कैंसर के बारे में थ्रू सोशल मीडिया, आपके जैसे चैनल्स के थ्रू, आप, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत काम किया है इसके बारे में, आपने काफी अवेयरनेस फैलाई है लोगों के बीच में। तो ये एक किस्म का जो कैंसर के बारे में जो पहला रुझान था आज से 10 साल पहले, वो चेंज हो चुका है। तो लोगों को अवेयरनेस काफी ज्यादा हो गई है, लोग काफी स्मार्ट बन गए हैं और लोग जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ रुझू करते हैं। तो वो भी एक वजह है जिससे देखने को मिलता है कि कैंसर जो रजिस्ट्रेशन है केसेस की, वो थोड़ा ज्यादा देखने को ज्यादा मिलती है। पहले होता था, पहले लोग बाहर जाते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, या कोई जाते भी नहीं थे हॉस्पिटल में, या पता भी नहीं चलता था कि कहाँ था क्या। उस चीज को सबको मद्देनजर रखे, ये जो अभी ट्रेंड है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो हतमी तो नहीं है, ये जो इनिशियल ट्रेंड लग रहा है कि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस बढ़ रही है। ये केसेस बजाय तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये इंसिडेंस ज्यादा नहीं बढ़ रही है। हालांकि ये इंसिडेंस जो है, ये एक्सपेक्टेड विद इन एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन का रेशियो देखेंगे, बाकी सब चीजों का डेमोग्राफिक रेशियो देखेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें रोल जो बना है वो यही सोशल मीडिया का बना है, आपकी चैनल्स का बना है, आपने काफी अवेयरनेस के बारे में किया, आपने इंटरव्यूज किए हैं लोगों के साथ, डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए हैं, जिस वजह से लोगों को बिल्कुल ये इसके बारे में काफी जानकारी मिली है, लोग जल्दी हॉस्पिटल की तरह रुजू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है कैंसर केसेस की, वो बढ़ रही है, बढ़ने को दिख रही है। तो मेरे ख्याल में वो भी एक अहम पहलू है इसका। जी फेफड़ों के कैंसर के केसेस बताए जा रहे हैं कि ज्यादा तैदाद में पाए जा रहे हैं। तकरीबन 10% लोग अगर वादी कश्मीर की बात जी करें, बताया जा रहा है कि जी वो फेफड़ों के कैंसर में मुबतला हो रहे हैं। जी जी हाँ, ये बात तो है। पहले तो हम बोलते थे कि भाई स्मोकिंग करने से या कोई हुक्का पीते हैं, उस चीज से ये सब चीज हो रहा है, कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं लंग कैंसर के। लेकिन अब उस पर काफी ज्यादा कमी आ गई है और देखने में आई है। अभी स्मोकिंग जिस तरह स्मोकिंग का रुझान था इससे 15-20 साल पहले, ऐसा रुझान नहीं है। उसमें काफी इंसिडेंट्स में काफी कमी आई है, लेकिन ये कश्मीर में आई है, ग्लोबली काफी इंसिडेंट्स में कमी आई है। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्मोकिंग अगर ट्रेंड कम हो गया, अगर इम्प्रूव हो गया, तो लंग कैंसर की इंसिडेंस तो रिलेटिवली इसके साथ डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वजह क्या है उसका? वजह है कि यहाँ से स्मोकिंग कम कम होगी, लेकिन यहाँ से पोल्यूशन ज्यादा बढ़ने लगी। जो इमिशन है, गाड़ियों का इमिशन है, वो बढ़ने लगा। जो डस्टी रोड्स हैं, उनसे डस्ट जो मैग्नेटाइजेशन जो हुआ नहीं अभी, तो मतलब हमारे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, तो अभी पिछले 2 साल में मैग्नेटाइजेशन रोड्स का हो रहा है एक प्लान्ड तरीके में, पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छा, यहाँ से जो ट्रक्स चलती हैं, वो तो बिल्कुल उनका कोई वो रूट नहीं होता है, वो जहाँ चाहे मर्जी वहां से उधर से मिट्टी उठा के ले जाते हैं और सड़कों में वो गिर जाती है, उधर से डस्ट हो जाती है, डस्ट खड़ा हो जाती है, तो पोल्यूशन हो जाता है ना। तो एनवायरनमेंट जब पोल्यूट हो रहा है, तो उस वजह से लंग्स तो एनवायरनमेंट का फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। तो ऑब्वियसली जो लंग कैंसर केसेस हैं, वो तो इंसिडेंस बढ़ेगी। और दूसरी खास चीज इस इंसिडेंस में ये देखने को मिल रही है कि अब जो फीमेल्स हैं, पहले तो औरतें तो सिगरेट नोशी नहीं करते थे, तंबाकू नोशी नहीं करते थे, तो औरतों में लंग कैंसर कम पाया जाता था। लेकिन अब जो हुआ है कि जो फीमेल्स में लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, एज इक्वल हो रहा है जैसे कि मेल्स में। तो ये सब तो पोल्यूशन का, और जो गाड़ियों का एमिशन का, ट्रैफिक इमिशन का है, और रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है यहाँ पर कश्मीर में, उसका एक नतीजा है। वो तो नेचुरली होगा, पैंडेमिक तो बन चुका है ऑलरेडी, कैंसर तो पैंडेमिक है ही, ऑलरेडी है। लेकिन अब आने वाले सालों में इस पैंडेमिक का जो रूप है, वो एकदम एग्रेसिव होने वाला है। ठीक है, तो पैंडेमिक तो कैंसर, तो कैंसर इज ऑलरेडी एन पैंडेमिक। कैंसर कैंसर में तो इसमें कोई कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ डेथ्स जो ग्लोबली होते हैं, वो काफी ज्यादा हो रहे हैं कैंसर से। वो तो इक्विवेलेंट टू, ये तो सेकंड, जिसको हम बोलेंगे सेकंड नंबर पर आता है डेथ्स की, कार्डियक डेथ्स के बाद तो सेकंड नंबर पर तो कैंसर ही आता है। अगर आप कार्डियक को पैंडेमिक मानते हैं, कार्डियक डिजीज को, हार्ट डिजीज को पैंडेमिक मानते हैं, तो मेरे ख्याल में कैंसर को तो कब का पैंडेमिक में माना चाहिए ना। तो वो तो है।
पैंडेमिक है, ऑलरेडी है, तो उसको तो मतलब इस पैंडेमिक को और बढ़ने के चांसेस है। तो आगे अगर ऐसा ही टर्न रहा, पोल्यूशन ऐसा ही रहा, जो हमारा जो पर्सनल जो हमारा जो एटीट्यूड रहता है तो वो ऐसा ही रहा, तो नेचुरली इसके तो